नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीव गुसाई। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूं नांगल हाइट्स में, जहां मैं आपको दिखाने वाला हूं 4 BHK का एक सुंदर सा डुप्लेक्स, जिसका डायमेंशन है 24/87, जो कि है 232 गज के अंदर। दोस्तों जो ये लोकेशन है, ये एक टेबल टॉप है। यहाँ से चारों तरफ से आपको हिल व्यू आपको मिलता है। 30 फीट चौड़े रोड के ऊपर है ये। ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग ये जो यूनिट है वो पड़ती है। राजपुर रोड यहाँ से मात्र 10 मिनट की ड्राइव पे है। मैक्स हॉस्पिटल 10 मिनट की ड्राइव पे है। हेलीपैड बिल्कुल नियर बाय है। डीपीएस स्कूल, हेरिटेज स्कूल, टचवुड स्कूल, स्कॉलर्स होम, आप 10 मिनट की ड्राइव पे इजीली पहुँच सकते हैं। जाखन जैसा एरिया, पैसिफिक मॉल, जहाँ से आप शॉपिंग इजीली कर सकते हैं, मात्र 10 मिनट की ड्राइव पे है। तो दोस्तों आइए, ये आज का वीडियो हम लेते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, 30 फीट का है ये रोड, मतलब ये गाड़ी पार्क होने के बाद भी इतना स्पेस है, इजीली कोई भी गाड़ी पास हो सकती है, बड़े से बड़ी गाड़ी भी। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ बिल्डिंग का एलिवेशन। ये है अपनी बिल्डिंग। इस विला की खासियत ये है, आप इजीली यहाँ पे 3 गाड़ी अपनी पार्क कर सकते हैं, एक गाड़ी आपकी यहाँ बाहर लग जाती है, और बड़ी से बड़ी गाड़ी आप अपनी यहाँ पे लगा सकते हैं। साथ में आपके पास ये भी स्पेस बचता है, तो किसी के पास अगर 2-3 गाड़ियाँ हैं तो उसको ये बात सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे कैसे पार्क होगी, चीज़ होगी। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ घर के अंदर। दोस्तों ये है अपना लिविंग एरिया, ऑनर ने ये विला अपने लिए बनाया हुआ है। डाइनिंग एरिया और यह खुला स्पेशियस किचन, मॉड्यूलर किचन है ये। ये एक सेपरेट एंट्री जो गैलरी वहाँ से दिख रही थी, इधर के लिए भी है, और यहीं से ही हम अपस्टेयर्स चले आते हैं। स्टोरेज भी आपको मिल जाता है। और दोस्तों ये है हमारा पहला बेडरूम, आप देख सकते हैं डायमेंशन इसकी काफी स्पेशियस है। कबर्ड्स के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है। अगर मैं रूम साइज की बात करूं तो टेंटेटिवली आप मान के चलिए 12/18 का कमरा है शायद ये। 12/16 का कमरा है। इसके साथ आपको मिल जाता है ये अटैच वॉशरूम। डोर की हाइट देखिए दोस्तों, काफी अच्छी हाइट दी हुई है। और ये है हमारा वॉशरूम, तो स्पेशियस वॉशरूम है। गीजर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, जैगवार की फिटिंग हुई हुई है, WC की फिटिंग जैगवार, और जो सीट यूज की है वो वारमूरा की है। ऊपर पूरा रूफ तक टाइल्स लगाई हुई है। तो दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूं, इसके अंदर पीछे अपना गार्डन भी है, आप इस गार्डन को अपना अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ये एक सुंदर सा गार्डन आप अपना मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है, दोनों तरफ से इसके अंदर धूप आती है जैसे कि मैंने बताया। आइए मैं आपको लेके चलता हूं अपस्टेयर्स। तो ग्रेनाइट का सुंदर प्रयोग किया हुआ है, SS के जो रेलिंग्स लगी हुई है, मैंने आपको बताया था। डोर का साइज बहुत अच्छा है। आइए अपस्टेयर पे अपना देखते हैं। ये एक लिविंग एरिया भी मिल जाता है आपको फर्स्ट फ्लोर पे। सुंदर टेंपल बनाया हुआ है। आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेकंड बेडरूम। बेडरूम्स के साइजेस बहुत अच्छे निकाले गए हैं, कंसील लाइट POP वर्क किया गया है। आप देख सकते हैं किंग साइज बेड लगने के बावजूद भी अच्छा खासा स्पेस है। पूरी स्टोरेज दी गई है रूफ तक।
जैसा कि मैंने आपको बताया, ये घर इन्होंने अपने लिए ही बनाया हुआ है। ये आपको एक बालकनी मिल जाती है यहाँ से भी। और अपने इस बेडरूम से भी अटैच है। ये सुंदर नज़ारा आपको दिखता है। यह है अपना थर्ड बेडरूम। ये बालकनी अटैच हो जाता है यहाँ से। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो दिया गया है, ऐश लगाया हुआ है। इसमें आपको दो बेडरूम के साथ एक कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। साइज देखिए वॉशरूम का, काफी स्पेशियस वॉशरूम है। दोस्तों जी, ये फोर्थ बेडरूम है। इसमें सर के पेरेंट्स रहते हैं, ओल्ड एज है, तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी को परेशान ना करे वीडियो बनाते हुए। हाँ, बस मैं दरवाजा खोल के आपको रूम साइज दिखा देता हूँ। जैसे नीचे है सेम साइज रूम का है। और उसमें जहाँ माता जी हैं वहाँ एक बालकनी है, तो आप देख सकते हैं पीछे भी एक अच्छा स्पेस बालकनी का मिल जाता है और साथ में अटैच वॉशरूम मिल जाता है। ये है कवर्स। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ रूफ पे। ये आपको खुली बड़ी छत पूरी मिल जाती है, जहाँ से आपको बहुत अच्छा नज़ारा मिल रहा है प्रकृति का। सेंट एने स्कूल, पैसिफिक गोल्फ, पनाश वैले, ये पीछे प्लेजेंट वैली, राजपुर रोड। ऑर्चिड पार्क है ये। आज की डेट पे दोस्तों यहाँ जो लैंड कॉस्ट है, जो 30 फीट पे लोग आस्किंग कर रहे हैं आज की डेट पे, 52,000 से 55,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है। राजपुर के वेरी नियर पड़ता है ये एरिया, तो काफ़ी बूम में है ये इस टाइम पे स्पेस। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया ये 4 BHK का एक बेहतरीन सा डुप्लेक्स, जो कि ओनर ने अपने लिए बनाया है। 2700 स्क्वायर फीट इसका कंस्ट्रक्टेड एरिया है। अभी इस टाइम पे तकरीबन 12 बजने वाले हैं, तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी सनलाइट मेरे ऊपर पड़ रही है। तो आप अगर मैंने जैसे वीडियो आपको दिखाया, तो पूरे घर पे बहुत अच्छी सनलाइट है। मॉर्निंग से लेके टिल सनसेट आपको पूरा अच्छा सनलाइट इसमें मिलेगा। पीछे आपको गार्डन भी मिल जाता है। आप उस गार्डन को, सर ने अभी गार्डन मेंटेन नहीं किया, आप अपने उस गार्डन को मेंटेन करके वहाँ पे भी अपनी सिटिंग लगा सकते हैं, अच्छा सा स्विंग लगा सकते हैं। और आगे आपको 3 गाड़ियों की पार्किंग इसके अंदर मिल ही रही है। दोस्तों 30 फीट के अंदर ये घर बना हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजपुर रोड के बहुत नियर ये पड़ता है। आप लोग जानना चाहेंगे कि इसका क्या प्राइस है। जैसा कि मैंने बताया वीडियो में कि आज की डेट पे जो लैंड कॉस्ट है यहाँ, जो लोग बाग आस्किंग कर रहे हैं, वो 52,000 से 55,000 रुपीस पर स्क्वायर यार्ड का कर रहे हैं। 232 गज का ये घर है। इसकी जो आस्किंग ओनर द्वारा की जा रही है वो 1.75 CR की जा रही है, जो कि नेगोशिएबल है। आप टेबल पर आइए, ओनर टू ओनर मीट कीजिए और अपनी बार्गेन कीजिए, जो बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी वो जरूर होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। हमारे चैनल प्रॉपर्टी एडिक्शन के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपका अपना दोस्त संजीव गुसाई।